वेलकम दोस्तों, किचन कुक फोर में आपका स्वागत है। आज हम आपको सोया चाप रोल बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सोया चाप रोल क्या है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस आइटम है दोस्तों, उसको पब्लिक जो है बहुत शौक से खाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बना करके दिखाएंगे सोया चाप रोल बनाने का तरीका। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे किचन कुक फोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं सोया चाप रोल बनाने का तरीका। आप देख रहे हैं, ये हमने सोया ऑलरेडी पका के फिर तैयार करके रखा हुआ है। इसको सलिया में भर के खाली सेकना है, बाकी मसाला और वो सब चीज़ें जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में और अगले वीडियो में दिया हुआ है। सोया चाप और उसका सोया चाप बनाने का तरीका दिया हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं सोया चाप रोल बनाने का तरीका। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे रोल बना करके दिखा रहे हैं आपको। इसमें हमने 2 चम्मच बटर डाला हुआ है, इसमें आप घी भी डाल सकते हैं। और ये हमारे हाथ का क्रीम है, ये ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा। और ये भी हमारे हाथ का मलाई क्रीम है दोस्तों, ये भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और ये आप देख रहे हैं, ये मेयोनीज हमारे हाथ का बना हुआ है, ये भी ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं, हमने थोड़ा सा चाट मसाला लिया हुआ है और 1/2 चम्मच चटनी। और वहाँ पे अब लास्ट में हम डाल रहे हैं 1 नींबू का टुकड़ा, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद में आपको चम्मच से इसको इसी तरीके से जो है मिक्स कर देना। आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये दिख ही रहा है। और हम इसका रोल बनाएंगे, आप देखते जाइए वीडियो में। आप देखते जाइए, ये हमने इसके ऊपर रखा और उसके ऊपर 1 चम्मच ऑलरेडी क्रीम और लगा दे रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा आइटम होता है खाने के लिए। ये हमने थोड़ा सा अपने हाथ तक, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ की बनी हुई हैं। एक ये बटर बाहर का छोड़ करके, ये अमूल बटर आपको यूज करना है। और ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला और डाल दे रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं आप, ये कांदा कटा हुआ जो है इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिए। और अब यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा मिर्ची पेस्ट लगा दे रहे हैं। रोल बनानी है। और बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इसी तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सलिया रख करके इसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से इसको हम पका लेंगे इसके ऊपर। दोस्तों, इसको इतना पकाना कि एकदम लाल हो जाना चाहिए, इसकी जो रुमाली रोटी है एकदम लाल होना चाहिए। आप देख रहे हैं, ये हमारी रोटी जो है लाल हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इधर देखो, देख रहे हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं ऊपर का ये रुमाली रोटी एकदम रेड हो चुका है। तो ये बहुत खाने में बहुत अच्छा लगेगा, सौंधापन आएगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और अब इसको हम फॉइल में रख करके इसी तरीके से रेप कर देंगे।
लगाने के बाद में आपको इसी के तरीके से पोल कोइल में जो है रेप कर देना है और ऊपर से थोड़ा सा फाड़ देना है। इस तरीके से जो है लगा करके आपको कस्टमर को दे देना है। तो ये देखा दोस्तों आपने हमारा मलाई सोया चाप रोल बनाने का तरीका, और हमने अगली वीडियो में आपको दिया हुआ है मलाई सोया चाप बनाने का तरीका। दोस्तों ये था हमारा मलाई सोया चाप रोल बनाने का तरीका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर।